पागल हो गया है वो, शीशे में उसको नजर ही नहीं आ रहा। वो बस इशारा देखना, हम बस टर्न कर रहा है हर चीज को, बस इसलिए कहते हैं कि खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ड्राइविंग जो है वो सेफली करनी चाहिए और ध्यान एहतियात से करनी चाहिए, चाहे वो कार की हो या बाइक की हो। तो आपने जो ड्राइविंग है वो देखभाल के करनी है, जल्दी जो है ना वो जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ के लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैर खरीत से होंगे। इस टाइम मैं जा रहा हूँ सोनोनो के ऑफिस में, वहाँ पे जो है ना एक ही लड़के की जो डिपॉजिट मनी है ना, जिनको टर्मिनेट किया है, जो फ्रीलांसर थे जो छोड़ गए हैं, और उनकी डिपॉजिट मनी थी, तो वो जिस टाइम ये छोड़ जाते हैं ना तो ये टर्मिनेशन हो जाती है किसी भी लड़के की, तो जो डिपॉजिट मनी होती है ना वो डिडक्ट होती है सैलरी से, मतलब जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी आती है ना वहाँ से डिडक्ट होती है। तो उसने ना क्या किया है सैलरी बनाने वाले में, पिछले महीने भी उसी लड़के की सैलरी डिडक्ट कर ली और इस महीने भी उसी लड़के की जो है ना डिपॉजिट मनी वो सैलरी से डिडक्ट कर ले। सबकी सैलरी आती है ना एक साथ, तो उसमें से वो कटौती कर लेते हैं, जो डिपॉजिट मनी कंपनी की बचती है ना उसकी एक ही साथ वो सारे पैसे काट लेते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का काम कर रहा है, भाग गया है, क्या करता है क्या नहीं करता है, उनको अपने पैसों से मतलब है, तो वो काट लेते हैं एक दफ़ा। वो हमें बचे ना बचे, आगे किसी क्या नाम है, किसी को मिले ना मिले, उन्होंने अपने पैसे ले लेने हैं। तो इसमें देखा जाए तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। अब एक लड़का डिपॉजिट जो है वो टाइम से नहीं करता है, 1600 रियाल 1500 रियाल की एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट जिस टाइम लड़के क्या करते हैं कि उस डिपॉजिट मनी को ना खाना स्टार्ट कर देते हैं, जब खाते हैं तो जहरी सी बात है फिर उसमें मसले मसाइल होते हैं, फिर देने में उधार कहते हैं ना लेने लेते हुए पता नहीं चलता, जब उधार वापस किया जाता है ना फिर पता चलता है। तो ये पहले काम पैसे जो है वो काम लगा लेते हैं, खा पी लेते हैं, या पाकिस्तान भेज देते हैं, या अपने मुल्क किसी भी कंट्री से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से, इंडिया से, तो भेज देते हैं, बाद में फिर देते हुए उनको मसला होता है, या फिर वो भाग जाते हैं। अब मेरे पास पासपोर्ट भी पड़े हुए हैं उनके, ओरिजिनल पासपोर्ट, क्योंकि जो भी लड़का हमारे पास फ्रीलांसर पहले काम करता था ना तो उसका पासपोर्ट हम लाजमी लेते थे, पासपोर्ट के बगैर जो है ना उसको हम ज्वाइनिंग नहीं देते थे। तो अब वो जब आएंगे, अब वो महीने बाद आएँ, 6 महीने बाद आएँ, साल बाद आएँ, अब हमारे पैसे तो हैं वो तो स्टक हो गए ना, फंस गए, अब वो जब आएंगे तो पैसे मिलेंगे। तो हर चीज़ जो है उसमें जिसमें लोगों का नुकसान होता है, लड़कों का जो नुकसान करते हैं, बाद में फिर जब हम सख्ती करते हैं तो फिर यही कहते हैं जी सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो ऐसे ऐसे हमारे साथ करता है। वो सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर सही करता है, सख्ती करता है तो वो अपने नुकसान से बचता है, अगर फ्री हैंड देगा तो ये एक दिन में ये कंपनी खा जाएंगे लड़के, इनको कोई एहसास नहीं होता ना, जब इनके दम पे पैर आता है तो फिर ये रोते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो हर चीज़ फिर सोच समझ के करनी पड़ती है, फर्स्ट टाइम में जो जो चीज़ हो गई वो फिर सेकंड टाइम नहीं होनी चाहिए ना, वो सेकंड टाइम नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आगे से जितने भी लड़के आ रहे हैं तो फिर पूरी सख्ती करके, पूरा हर चीज़ करा के, तो ही उनको जो है ना बाइक या आईडी या जो भी चीज़ है कंपनी का एसेट है वो उसको हैंडओवर कर रहे हैं। वो जितना इनको टाइट रखते हैं उतना ही ये टाइट रहेंगे, अगर थोड़ा सा ढीला करेंगे फिर ये नुकसान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बाइक जो थी इसका एक्सीडेंट हुआ था, अब उसको तो मैंने हरूफ कर दिया है, उसको मैंने वांटेड कर दिया है, एक आम से लफ्ज़ों में जहाँ भी पकड़ा जाएगा सीएडी जेल में डाल देगी। तो
अब इसका एक मार्डी गार्ड और एक जो टायर कवर है ना वो टूटा हुआ है, वो मैंने पता किया है अभी होलसेल शॉप से जहाँ पे होलसेल का सामान मिलता है। किसी वर्कशॉप से लगाएंगे तो वो पैसे ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन अब अभी किसी होलसेल से लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है। फिर मैंने होलसेल से पता किया तो उसने कहा 25 एक है और 50 एक है, यानी कि 75 का दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, मार्डी गार्ड भी मिल जाएगा और बाइक का जो कवर है ना ऊपर वाला वो भी मिल जाएगा। तो मैंने सोचा इसको एक ही दफ़ा सेट कर लूँ 150 लगा के ना, ताकि दूसरे लड़के को जिसको दूँ मैं तो उसको कोई बहाना ना मिले कि यार मेरी मुझे तो बाइक ऐसी वैसी दी थी। जब फिर उससे लूँगा तो फिर उससे सेट होकर ही लूँगा। ये बंदा जो है जी पानी बेच रहा है, ठीक है, और ये इनलीगल है अपने मुल्क और कौम का जो है ना वो नाम का बदनामी का बाइस बन रहे हैं। इनको CID पकड़ेगी और क्या नाम है छोड़ आएगी, रिपोर्ट करेगी इसको, क्योंकि ये इनलीगल काम कर रहा है वो ट्रैफिक की जगह पे जहाँ पे ये हो और वहाँ पे फिर पानी बेचना, वो फिर मुल्क जो है ना उसकी सिग्नल बंद हो गया और शुक्र है कि पीछे कैमरा भी नहीं है, नहीं तो कैमरा लग जाना था। ट्रैफिक ज़्यादा होना तो हर बंदा निकलने की कोशिश करता है, वो कहता है मैं निकल जाऊँ, वो कहता है मैं निकल जाऊँ। खैर इंशाल्लाह सुनो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और क्योंकि कोशिश करता हूँ वीडियो लंबी ना हो, अब बन जाती है क्या करें, आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी देनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ मैं। यार सुनो के ऑफिस से तो मैं हो गया हूँ, वो कह रहे हैं जी बंदा जो है वो बैंक गया हुआ है और वो आता है तो फिर हम कन्फर्म कर रहे हैं ना, कन्फर्म करके आपको बताते हैं कन्फर्म। मैंने कहा चलो ठीक है कन्फर्म कर लो आप और हमको बताओ। अभी मैं आया हूँ अरीडो ऑफिस में, यहाँ पे मैंने सबमिशन करनी है जो कंपनी के लड़के हैं ना उनकी जो सैलरी है वो ट्रांसफ़र करनी है मैंने बाय बैंक थ्रू अपने अकाउंट से, उनको सैलरी कार्ड बना के देने हैं तो डायरेक्ट सैलरी उनके पास ही जाएगी और मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है उनको सैलरी लेने के लिए। तो अभी बस यहीं पे मैं पार्किंग करता हूँ और अंदर जाके मालूमात लेता हूँ। मेरे ख्याल में इनके मेन ऑफिस में जाना पड़ेगा, लास्ट टाइम भी मैं आया था तो इन्होंने बताया था कि मेन ऑफिस, अब मुझे भूल गया कि वो है कहाँ पर, तो यहीं से कन्फर्म करके फिर जाता हूँ मैं। मैंने इनसे पूछ लिया है, वो बोलते हैं अलसाद जाओ और वो 2 बजे तक जो है ना ओपन है, टाइम तो भी काफ़ी है मेरे पास, तकरीबन इस टाइम 1 बज रहा है तो 1 घंटा जो है ना वो है मेरे पास। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे जाता हूँ और इनको उनसे मज़ीद मालूमात मुझे मिलेगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, साइन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कुछ चार्जेस हैं नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। फिर मैं जाऊंगा उसके बाद इज़दान मॉल में, इज़दान मॉल में है तशहीर सेंटर और वहां से मैंने अप्लाई करना है बिज़नेस वीज़ा सऊदीया के लिए, तो सऊदीया का प्लान बना रहे हैं इंशाल्लाह, तो उसकी भी अपडेट दूंगा मैं आपको। तो अभी फ़िलहाल मैं वहाँ जा के ना अपडेट लेता हूँ फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। यार मैं रीडो के ऑफिस पहुँच चुका हूँ और फिर अंदर जा के ना इनसे मज़ीद मालूमात लेता हूँ मैं, लिखा तो यही है, अब देखता हूँ अंदर पूछना पड़ेगा भाई किधर है रीडो का ऑफिस, पूछना पड़ो है रीडो का ऑफिस पूछना पड़ो है भाई।
यार मैं रीडो के ऑफिस आ गया हूँ, फिर उसके बाद पीआरओ की कॉल आई थी तो मैंने उसको वो बताया कि यार मैं ना रीडो के ऑफिस में आया हूँ एम्प्लॉई अकाउंट ओपन करने के लिए। तो उसने कहा यार उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक लड़का है पीआरओ का, उसको बोल दो वो ऑनलाइन अप्लाई कर देगा और कुछ भी जो है ना करने की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाओ। लेकिन शाम को फिर मैं दोबारा पीआरओ के ऑफिस में जाऊँगा और फिर वहीं से ही रजिस्ट्रेशन करनी है मैंने। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सर, कहाँ पे, इज़दान माल में। हाँ इज़दान माल में क्यों जा रहा हूँ, इज़दान माल में तशहीर का ऑफिस है, तशहीर वीज़ा सेंटर। मैंने अप्लाई किया था सऊदीया का वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है ना मेरे आईडी के ऊपर वो है ड्राइवर का, और सैलरी मैंने रखी हुई है 35,000 जैसे, अगर आप लोगों को पता है, तो वो जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है भाई साहब, तो इसलिए मैं उधर जाकर ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करूँगा कि भैया ऐसे ऐसे मसला है, क्या हो सकता है इसका हल, हल इसका क्या हो सकता है। अब मैंने इज़दान माल, वो इज़दान माल के अंदर है, मैंने वहाँ की लोकेशन लगा दी है, बस रुक जा भाई, रुक गई है ट्रैफिक। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा घर, और कोई काम नहीं है। पागल हो गया है वो, शीशे में उसको नजर ही नहीं आ रहा। वो बस इशारा देख ना, हम बस टर्न कर रहे हैं हर चीज को, बस इसलिए कहते हैं कि खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। ड्राइविंग जो है वो सेफली करनी चाहिए और ध्यान एहतियात से करनी चाहिए, चाहे वो कार की हो या बाइक की हो, तो आपने जो ड्राइविंग है वो देखभाल के करनी है, जल्दी जो है ना वो जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ के लिए भी। यार ये इज़दान माल है, काफ़ी मैं अंदर घूमा हूँ, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा मैं यहाँ पे रहा हूँ। अब एक तो मैं तशहीर ऑफिस गया था, वहाँ पे थोड़ी सी मालूमात ली है मैंने कि मैंने भी बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया हुआ है सऊदी अरब का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जाने का प्रोग्राम है दोस्तों के साथ, एक तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उमरा करेंगे, और दूसरा ये है कि फिर 6-7 दिन है इंशाल्लाह फिर मुख्तलिफ़ जगह जो है सऊदी अरब की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाड़ी अपनी है उसमें हमने जाना है, तो फिर 10-1 दिन का है टूर, तो इंशाल्लाह दुआ करें कि हो जाए वो मसला हल, नहीं तो फिर दोबारा अप्लाई करेंगे अगर वो एप्लीकेशन प्रोसेस में है, क्योंकि वो 1-1.5 मंथ हो गया वो प्रोसेस के अंदर स्टिल जा रही है, और वो जो हैं दोस्त उन सब के निकल आए हैं, सिर्फ मेरा रह गया है। अब देखें इंशाल्लाह क्या होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे, मैंने ट्राई किया है रेस्टोरेंट पे, शॉपिंग अंदर है, कुछ शॉपिंग शॉप्स हैं, कारफोर हो गई, दूसरी काफ़ी सारी शॉप्स थी उसमें मैंने ट्राई किया है कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो कार ड्राइवर या बाइक ड्राइवर देने के लिए। इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा ना एक डिटेल बना लेता हूँ, यहाँ पे लुलू भी है तो कोशिश करता हूँ कि अगर 2-4-8-10 जितने भी रेस्टोरेंट हैं अगर उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर मैं फिक्स सैलरी पे बुलाने की कोशिश करूँगा लड़कों को,
या जो इधर मेरे पास मौजूद होंगे तो फिर उस लिहाज से देखेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अब जिस रेस्टोरेंट पे या क्या नाम है शॉपिंग मॉल में अगर होता है कॉन्ट्रैक्ट तो फिर फिक्स सैलरी देंगे, 10-12 घंटे उनकी ड्यूटी होगी। तलबात कैसा भाई? अच्छा काम कैसा है? ठीक है नहीं है? कितना डिलीवरी मारा है? कितना डिलीवरी मारा आज? अभी आया भाई। अभी आया? पहला ऑर्डर है? कल कितना मारा? 20। लोग बोलता है काम नहीं है, आप 20 ऑर्डर मारे है? तो इस महीना में कितना ऑर्डर हो गया? 200 हो गया है। और आज 10 तारीख है ना, 11 12 तारीख है, 12 तारीख में 200 500 हो जाएगा महीना में। कोशिश कर रहा है माल भाई। लास्ट मंथ कितना हुआ था पिछला? 500 400 460। कितना सैलरी निकला था? 3000। क्या पर डिलीवरी देते हैं आपको है? पर डिलीवरी क्या देते हैं? हाँ, एक डिलीवरी का चार्ज कितना है? 3 रियाल 6। अच्छा अच्छा अच्छा, और बेसिक सैलरी कुछ भी नहीं है तो सही है फिर भी। ओके ओके यार, ये अभी सिग्नल पे मुझे मिल गया था तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा ना मैं इसका रिव्यू ले लेता। ये बोलता है कल इसने 20 डिलीवरी की है तलबात के अंदर, ये लड़का काम करता है, और पिछले महीने इसने 3000 रियाल सैलरी निकाली है, 6 रियाल इसको डिलीवरी चार्ज मिलता है। ये है पहले ये कॉन्ट्रैक्ट पे आया होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि 6 रियाल ये देते नहीं हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट पे आया होगा, फिर इसने अपने आप को थोड़ा अपडेट किया होगा, बातचीत करके रेट बढ़ाया होगा, लेकिन 2 साल नहीं बढ़ाते, उसके बाद फिर देखते हैं कि लड़का काम कर रहा है अच्छा तो फिर 6 रियाल कर देते हैं। 6 रियाल बड़ी डिलीवरी चार्ज है, क्योंकि ना इसका रूम है, ना बाइक है, ना फ्यूल है, ना मेंटेनेंस है, कुछ भी नहीं है, ना सिम डाटा है, तो 6 रियाल बोलता है 500 डिलीवरी हो जाएगी। लास्ट टाइम इसने 460 डिलीवरी मारी है, 460 डिलीवरी इसने मारी है लास्ट टाइम, और अभी कहता है कि 500 डिलीवरी तक हो जाएगी, तो 3000 अगर 500 भी खा जाते हैं तो 2500 रियाल बन जाता है, तो 2500 रियाल अगर आप बचा लेते हैं तो इट्स मीन के पाकिस्तानी बनेगा भाई 180,000 तक, 80,000-90,000 तक बनेगा पाकिस्तानी खा पी के, और अपने आप को या